कल रात जब वो कॉल आई, फिर उसके बाद मैं सो नहीं पाई। उधर से जो आवाज आई उसमें बहुत बेचैनी पाई। घबराया सा वह शख्स बोला, दीदी क्या मैं काम पर आ जाऊं पूछा। मैंने बोला, बिल्कुल नहीं, घर पर ही रहना, खुद का और परिवार का ध्यान रखना। कुछ सिसकियां और हल्की आवाज, उसमें था एक डर का एहसास। मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछे बार बार, पर वे कुछ भी नहीं बोला एक भी बार। दीदी कल का बचा हुआ खाना दे दो, मेरे बच्चों को एक बार जीने का सहारा दे दो, कुछ चावल या खाली रोटी दे दो, बस एक बार इतनी मदद कर दो। मेरा दुपट्टा आंसू से भीग गया। माली भैया मुझसे कुछ पूछ रहा था, इतना बेबस, इतना लाचार, कुछ दिन में कितने बदल गए हालात। दीदी आप सुन रही हैं क्या, मुझ पर करो थोड़ी दया। मैंने कहा, लॉकडाउन के टाइम में कहां जाओगे इस समय। वे बोला, दीदी आज तक के पैसे थे, कल की इसी टेंशन में आपको मैंने कॉल लगाया, आज कहीं से कल का खाना मिल जाए काश। मैंने उससे ऐसे पूछा, कितने लोग हैं वहां आसपास। उसने कहा, कुछ 15 घर हैं हमारे पास पास। ठीक है, तुम सुबह 7 से 10 में कभी भी आ जाना और अपने साथ उन लोगों का भी खाना ले जाना। उसका फोन रखकर मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल लगाई और लैपटॉप ऑन करके एक जूम मीटिंग लगाई। हमारी सोसाइटी के कुछ लोगों को ये कॉन्वर्सेशन सुनाई तो कुछ लोगों ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। अगले दिन कुछ लोगों ने खाना ज्यादा बनाया और सोसाइटी के गेट पर रखवाया। फिर मैंने खुशी से माली को कॉल लगाया और उसे गेट पर बुलवाया। शाम को उसका कॉल आया, दीदी आज मेरे बच्चों के साथ और लोगों ने खाना खाया। मैंने कहा, हम सब बारी बारी खाना देंगे, लेकिन आप लोग अपने घर से नहीं निकलेंगे। मुझे या हम सबको यह करके एक सैटिस्फैक्शन हुई। लॉक टाइम के टाइम में चलो कुछ तो प्रोडक्टिविटी हुई। हम सब इतना सा तो कर सकते हैं, किसी का बच्चा भी भूखा ना सोए, एक छोटा सा स्टेप तो ले सकते हैं। कोरोना वायरस के इस डर में हम कुछ नेक काम कर सकते हैं। चलो आज मिलकर फिर से एक हो जाते हैं। चलो इस टाइम पर फिर से एक हो जाते हैं।